हूं कि कोई एप्लीकेशन मैं लिख के लेके गया, उन्होंने मेरी स्वीकार की। आज जनता का प्यार स्वीकार आप आदरणीय कलेक्टर मंच पर बैठे, नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि रफीक भाई, जिला परिषद मेंबरगण और पंचायत समिति मेंबरगण, उप प्रधान बलवान जी भगेरिया साहब, इस कार्यक्रम के आयोजक दूरी राम नेत्र दुगराना गांव के लोग और साथी सुरजीत बिजारणिया, विजय प्रचार साथी जयप्रकाश ढाका, आदरणीय महाराज जी और तमाम सरपंचगण जो विभिन्न पंचायतों से आए हुए पूर्व सरपंचगण, सुनीता और माताओं बहनों, तमाम किसान नौजवान साथियों, आपका प्यार प्रेम देख करके जो मंत्री जी ने हमारे यहाँ काम किए हैं उनके उद्घाटन को देखते हुए और भविष्य के हमारे कार्य योजना को देखते हुए हमें लग रहा है कि हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। राजस्थान में एक सरकार थी जो 2018 में बनी, पर दिल्ली में जो हुकूमत बैठी थी उस हुकूमत ने राजस्थान की सरकार को गिराने का प्रयास किया। हमारा नेतृत्व और हम लोगों ने यह तय किया कि चुनी हुई सरकार नहीं गिरनी चाहिए। मैं समझता हूं वो हमारा दायित्व था जो हमने पूरा किया। उससे पहले ही जब मंत्री जी के पास हम कोई काम के लिए जाते थे, मुख्यमंत्री जी के पास हम कोई काम के लिए जाते थे, तो भी हमारे काम को मना नहीं था। ये भाखड़ा की जनता का प्यार और प्रेम। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब सरकार की बलवान ने मदद की तो सरकार ने काम किए। मैं कहता हूं हमारी मंडी स्वीकृत होना, हमारी उप तहसील बनना, हमारे महात्मा गांधी स्कूल खुल जाने, हमारे कस्तूरबा आवासीय विद्यालय खुल जाने, हमारे स्कूलों के टर्बोनेट हो जाने, ये सारे कामों की हार सिलसिलेवार जिस दिन मैं विधानसभा के पहली बैठक में बोला था उसी दिन मंत्री जी से बात हुई कि मेरी विधानसभा क्षेत्र की ये मांग है। इन्होंने कहा मेरे साहब हमारे पास 5 साल है, 5 साल तक लगातार अगर कोई एग्रीकल्चर मांगेगा, कोई साइंस मांगेगा, कोई कॉमर्स मांगेगा, कोई हिंदी साहित्य मांगेगा, कोई दूसरी सब्जेक्ट मांगेगा, वो सब्जेक्ट खोलेंगे, स्कूल टर्मोनेस करेंगे, कॉलेज आपको देंगे, स्कूल आपको देंगे। इन्होंने एक एक बात यहां की। साथियों जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम जनता की बात को आगे बढ़ाएं। आज इस दौर में केंद्र की सरकार सरकारी चीजों को समेटने का काम कर रही है। मंत्री जी आप ऐसी जगह बैठे हैं जब पिछली साल हमारी सरकार ने करीब 1.5 लाख बेड सरसों के और चना के सरकारी रेल पर इस दुगराना गांव में खोले थे। ये सहकारी समिति में सरकार ने मंडी खोल करके इस इलाके का उद्घाटन किया। मंत्री जी हमारे यहाँ पूरा का पूरा इलाका नहरी है, जहाँ बजट मुख्यमंत्री जी ने अभी तक 84 करोड़ रुपए खाओ के और 93 करोड़ रुपए नहरों की मरम्मत के लिए है। तो हमारे पास लगते 14 बिरानी गांव है जो अभी भी अशिक्षित है। आप और मिलकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे। आज मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ कि हमारे 14 बिरानी गांव की मांग में आप हमारा मदद करेंगे और अगले बजट में सरकार घोषणा करे कि बिरानी गांव को मेरी घोषित करेंगे। सिर्फ 200 क्विंटल पानी और भाखड़ा को चाहिए सिर्फ 304 करोड़ रुपए बजट चाहिए। कानून व्यवस्था की बात करूं तो सरकार ने हमारे लिए बिरानी का थाना टर्मोनेट किया, छानीबड़ी में चौकी खोली। अगर मैं प्रशासनिक व्यवस्था की बात करूं तो डुंगराना गांव को तहसील की सौगात सरकार ने दी। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो अंग्रेजी माध्यम की सौगात दी है। जब अंग्रेजी माध्यम खुला हिंदी माध्यम बंद हुआ तो मंत्री जी को एक निवेदन करने गए थे डुंगराना के लोग मेरे पास। मैं मंत्री जी को एक निवेदन करके आया, साहब डुंगराना के 50 लोग आए हुए हैं, इस बंद स्कूल को वापिस खुलवाना चाहते हैं। मैं कहता हूं पहली कलम ने 1 मिनट में मेरी बात को मानते हुए और इन्होंने स्कूल खोल दिया। आज मंत्री जी की गाड़ी स्कूल में प्रवेश की, मैंने कहा साहब ये कलम आपने स्कूल के लिए चलाई थी, आपने कलम चलवाई, आपने मांग की और मैंने पूरी की, हमारा दायित्व है। प्यारी जनता आज देश में जिस तरीके से मोदी सरकार कर रही है, जिस तरीके से सरकारी संसाधनों को समेट रही है, जिस तरीके से उद्योग समेट रही है, रोजगार खत्म हो रही है, जिस तरीके से
साथियों, आपको एक चीज समझने की जरूरत, आपने हमें चुना विधायक और मैं ये कहता था कि मेरा गांव में सरकार के साथ खड़ा रहना है या सरकार की खिलाफत करना है। मुझे समझ में आया कि अशोक गहलोत जनता की बात सुनते हैं, शिक्षा मंत्री जनता की बात सुनते हैं, चिकित्सा मंत्री जनता की बात सुनते हैं, हमारे कृषि उपज मंडी के मंत्री, हमारे कृषि एवं पशुपालन मंत्री जनता की बात सुनते हैं, तो हमें जनता की बात सुनाने वाले लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए। इसलिए वो जो लोग सवाल करते थे उनको उत्तर देना है गांव में जाकर के कि भगवान पुनिया ने जनता के विकास का साथ चुना और मोदी के विनाश के खिलाफ खड़ा हुआ। आज ये आपका जलसा बता रहा है, छोटा सा नोटिस। आज से 7 रोज पहले आदरणीय महाराज जी और जेपी नड्डा गए थे जयपुर, मंत्री जी से निवेदन करने के लिए हम साथ गए कि इनके स्कूल में विषय परिवर्तन करना। मैंने मंत्री जी से कहा, आपने इतने काम किए हमारे, आओ छोटा सा स्वागत करें आपका, आपको दिखाएं भादरा का जलवा। आज मैं समझता हूं मंत्री जी हमारा जलवा देख करके खुश होंगे, आज ये देख करके सम्मान खुश होंगे और हमारे स्कूलों में आधारभूत ढांचे के लिए, कमरा निर्माण करने के लिए, शौचालय निर्माण करने के लिए, लाइब्रेरी और बनाने के लिए, विषय और खोलने के लिए जो अर्जी हम लेकर के जाए वो शहर से उनको स्वीकार करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं मंच से हमारे मंच पर बैठे जिले के कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि कल डीएमएलटी फंड से 1 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। हमने और कलेक्टर साहब ने कागज को प्रस्तुत किया सरकार के सामने और हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कल 5 करोड़ रुपए और स्वीकृत हुए भवन निर्माण के लिए। मैं मंत्री जी आपका और सरकार का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि 20 साल से लगातार हमारी गवर्नमेंट कॉलेज की मांग थी जो हमारी फलीभूत होती जा रही। साथियों, जल जीवन मिशन चल रहा, गेहूंगांव में संकट आ गया कि जगह नहीं है, जगह जो सरकारी है। एक समाचार किया हमने कलेक्टर साहब को कि जगह पूर्ण रूप से आप जलदाय विभाग के नाम करो, दिक्कत आ रही। 5वें दिन चिट्ठी हमारे तहसीलदार जी के फोन में और मेरे फोन में पहुंच गई। मैं कलेक्टर साहब को कहना चाहता हूं कि आप चकबंदी का काम भी इसी तरीके से पूरा करिए जैसे जल जीवन मिशन का काम भी आपने पूरा किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जिले के, हमारी तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों का जो जल जीवन मिशन में हमारे AM साहब, एक्सी साहब, एसी साहब, चीफ साहब लगे हुए, गांव गांव में मीठा पानी, घर घर में ठंडा ठंडा मीठा पानी हर आंगन तक पहुंचाने का काम करेंगे। 250 करोड़ रुपए भाद्रा में स्वीकृत हुए हैं, 250 करोड़ रुपए। मैं उम्मीद करता हूं हमारे प्रशासनिक अधिकारी बहुत मजबूती के साथ काम को पूरा करेंगे। मैं डुंगराना में आए हुए तहसील